के लाल किले से अब तक कौन प्रधानमंत्री क्या बोले हैं सारा अवेलेबल है। आप हैरान हो जाएंगे, एक वो भी वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से हम भारतीयों को आलसी कहकर पुकारते थे। जिन सरकारों की सोच ऐसी रही हो वो देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं आज पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, आजादी के बाद गांधी जी की सलाह पर अगर कांग्रेस को भंग कर दिया गया होता तो आज भारत कम से कम 5 दशक आगे होता। आजादी के बाद भारत की सभी व्यवस्थाओं का जो कांग्रेसीकरण हुआ उसने देश के 5 दशक बर्बाद किए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ तो भारत दुनिया की 6थी बड़ी अर्थव्यवस्था था। हम दुनिया में नंबर 6 पर थे और 2014 में जब कांग्रेस गई और हमें जब सत्ता सुपुर्द की तब देश की अर्थव्यवस्था 6 नंबर से 11 नंबर पहुंच गई थी। ये इन्होंने काम करके गए हैं। और जब से आपने इस सेवक को काम दिया, 10 साल में आज देश दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन करके खड़ा है। आज भारत में मुंबई में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मेरी गारंटी है कि कुछ ही सालों में जब मैं आपके बीच आऊंगा तो हम दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक ताकत बन चुके होंगे। और मैं आपको भी गारंटी देने आया हूं और मैं आपके बच्चों के लिए विश्वास लेकर के आया हूं, मैं आपको विकसित भारत देकर जाने वाला हूं। और इसलिए मोदी 24/7 फॉर 2047 के मंत्र के साथ हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम जी जान से जुटा है। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जो ये कहता है वो असंभव है। निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, उनमें आशा का संचार करना लोहे के चने चबाने का काम होता है। और इसलिए
निराशा को पाल करके बैठे हुए लोग हर पल हर चीज असंभव ही अनुभव करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको लगता था राम मंदिर पे उनको असंभव लगता था, साथियों दुनिया को कभी न कभी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत भूमि में रहने वाले लोग अपने विचारों के इतने पक्के थे, अपने इरादों के इतने पक्के थे कि एक सपना लेकर के 500 साल तक लड़ते रहे। ये छोटा इतिहास नहीं है, 500 साल का अविरत संघर्ष, अनेक पीढ़ियों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान और 500 साल तक संजोया हुआ सपना आज